ऑर्डर मिला था कल अपनी दुकान पे 20 अपने मंचूरियन में दो नई चीज ऐड कर रहे हैं जिस देख रहे हैं कि ये आ रहा है न्यू मंचूरियन जिसमें देखते हैं ट्राई करके। हे गाइस वेलकम करता हूँ आपका मेरे एक और नए ब्लॉग में। तो गाइस अभी सुबह का ही वक्त हो रहा है और मैं बैठा हूँ अभी नाश्ता करने और आज नाश्ते में कल के जो पाव बचे हैं वो है क्योंकि ये पाव का पैकेट खुल गया था और जो बंदा का पैकेट होता है वो तो हम नेक्स्ट डे यूज कर ही लेते हैं क्योंकि दो दिन पाव आराम से चल जाते हैं, बट जो खुलता है ज्यादातर हम उसका नाश्ता कर लेते हैं जो कि है सेकर पाव। उसमें बटर लगा के खाओ, बहुत ही टेस्टी लगता है और साथ में पेट भी भरा रहता है इससे। तो अभी नाश्ता करने ही बैठा हूँ मैं, कर लेता हूँ नाश्ता। नाश्ता तो कर लिया है मैंने और मम्मी जा रही है अब अपने काम पर और अभी कुछ देर बाद मुझे भी अपना काम शुरू करना है, दुकान का सारा सामान रेडी करना है। पहले तो आलू वगैरह लाने, ज़्यादा चीज़ आज भी नहीं लानी, थोड़ी बहुत लानी है और फिर उसके बाद अपना शुरू करूँगा मैं थोड़ी देर बाद अपना काम। अभी थोड़ा इस पर मम्मी ने चावल रखे हैं तो मम्मी ने कहा 5 मिनट बाद बंद करना है, तो इसे 5 मिनट बाद बंद कर दूँगा। तो गाइस 5 मिनट के अंदर ही 5 मिनट कम्प्लीट हो गए, बंद कर देता हूँ। कैसा है दिखा? तो गाइज ये देखो, ये है कुर्ता जो कि ऑनलाइन मंगाया है। पहले इसे देखते हैं सही से, खड़े होके दिखे दीदी। ये कुर्ता है पापा के लिए, ये पापा के लिए मंगाया, पजामा नहीं आया, बस कुर्ता जीन्स पे सही लगेगा, बढ़िया लग रहा है। पर अब पापा को कैसा लगेगा देखेंगे, बड़ा भी हो सकता है, बड़ा मुझे तो बड़ा लग रहा है, बाकी देख लेंगे फिटिंग हो जाएगी ना। तो भाई ये पापा के लिए मंगाया है, मम्मी देखते हैं पापा आएंगे तो पापा को कैसा लगेगा। फर्स्ट टाइम पहनेंगे ना पापा कुर्ता। टाइम हो गया था, मैं बाजार भी चला गया था और सामान लेकर आ गया हूँ और ये रहे आलू। तो अब ये आलू मैं उबालने के लिए रख रहा हूँ। और हाँ, हमें एक ऑर्डर मिला था कल अपनी दुकान पे 20 मिनी समोसे। जब से हम मेले से गए हैं 2 दिन हमने मिनी समोसे नहीं बनाए थे, बट कल वही पहले सबसे पहले जो आंटी जी आई थी हमें ऑर्डर देने दुकान पे, वही आई थी, उन्होंने कहा कि मुझे कल 20 मिनी समोसे चाहिए तो तैयार करके रख देना। तो फिर हाँ वो भी तैयार करने हैं हमें। और साथ ही में आज हम अपने मंचूरियन में दो नई चीज़ ऐड कर रहे हैं जिससे फ्लेवर स्वाद और बढ़े, वो भी मैं आपको दिखाऊँगा। पहले मैं ये आलू बॉयल करने के लिए रख देता हूँ। गाइज अभी मंचूरियन में हम दो चीज क्या ऐड कर रहे हैं उसे बताने से पहले पापा मम्मी दोनों आ गए हैं, तो पापा को दिखाते हैं वो कुर्ता जो आ चुका है जो कि मम्मी ने मंगवाया था, पापा को पता नहीं था। तो देखते हैं पापा को कैसा लगता है, मतलब पता था कुर्ता आने वाला है पर कैसा है कैसा कलर वो नहीं पता था, तो देखते हैं पापा को कैसा लगता है। बोल रही हूँ मैं, पहन के देखो। पापा ट्राई करके देख रहे हैं कि ये आ रहा है या नहीं, हमें बड़ा लग रहा है, पापा कह रहे हैं सही है साइज, तो एक बार देख लेते हैं पहन के वरना फिर फिटिंग करवाना पड़ेगा। ये पहन लिया सही तो है, थोड़ा फिटिंग थोड़ा सा होगा, नहीं फिक, अरे नहीं होगी, हाँ इतना तो चलता ही है। देखो पापा इधर हो, गाइस कैसा लग रहा है पापा पे आप भी कमेंट करके बताओ, पापा तुम्हें कैसा लगा आप ये बताओ, देख लो पहले शीशे में। और पैंट नहीं आया इसके नीचे तो, अरे वाह सही में यार, इसके नीचे जीन्स वाली पैंट आएगी, मैं तो पूरा वो दिख रहा हूँ दादाजी। नहीं अभी तैयार होंगे ना आपका सब हो गए, पापा को शूट करूंगी मैं, शूट शूट मत कर बहन, शूट करूंगी काय से गन से, तो तो पूरा बोल बैग थोड़ा सा करना पड़ेगा बाबू, थोड़ा सा देखो इधर, चाची से करवा दूंगी, देखो पापा इधर दिखाओ। ओ मां क्या लग रहे हो कुर्ते पे, पहली बार पहना मैंने, वही तो पापा पहनने के नहीं, बोले नहीं मुझे पसंद, तो इसे थोड़ा सा करवा लो फिटिंग, सही है मुझे भी सही लग रहा है। कैसा लग रहा है? ये धोना पड़ेगा तुम्हें एक बार, मैंने किया एक बार धोना पड़ेगा इसे। जैसा कि आपको पता ही है हम पत्ता गोभी के ही मंचूरियन बनाते हैं जिनके बनते हैं, पर इनमें और भी चीज ऐड होती है, कुछ अलग भी होता है नॉर्मल, तो हम फिलहाल तो नॉर्मल ही बना रहे थे लेकिन इनमें दो चीज और स्पेशल ऐड होती है तो और अच्छा बनता है ये। तो आज से हमने वो ऐड करने की सोची है, पहले तो सबसे पहले गाजर है ये वाले
और दूसरी चीज है शिमला मिर्च, ये ऐड करके वही बॉल बना के बढ़िया तरीके से और अच्छा फ्लेवर आएगा। तो आज मैं कई दिनों से सोच ही रहा था कि करूं ऐड करूं नहीं करूं, फिर मम्मी ने भी कहा हाँ कर दे, तो फिर ये दोनों चीज भी लेकर आया हूँ मैं, और साथ ही में पत्ता गोभी भी है। तो पहले तो पत्ता गोभी को पीसना है जैसे पीसते हैं, और ये इन दोनों चीज को थोड़ा बड़े साइज से हमें पीसना है फिर, ताकि उसमें थोड़ा बड़ा टुकड़ा आए और फ्लेवर अच्छा आए। तो अब मैं ये भी काम कर लेता हूँ। काम कंप्लीट, पत्ता गोभी के साथ गाजर और शिमला मिर्च काट दी है, अब इन्हें मिक्स करना है और फिर मंचूरियन बनाने स्टार्ट करने हैं। मैं आप सभी का दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, जो मैंने कल वीडियो डाली जिसमें आपने देखा कि शुरू में मैंने कमेंट्स के ऊपर बात की, काफ़ी डीमोटिवेट सा था, बहुत अजीब सा लग रहा था कमेंट्स पढ़ के। तो आप लोगों ने आज की उस वीडियो पे इतने कमेंट करें, इतने अच्छे अच्छे कमेंट करें, मतलब मुझे इतना ब्लेस किया, मुझे इतना समझाया, सही में मैं सब भूल गया जो भी नेगेटिव कमेंट दिमाग में थे, जो भी डीमोटिवेट हुआ पड़ा था, मैं बिल्कुल पॉजिटिव और बिल्कुल अच्छा फील हो रहा है। सही में आप लोग बेस्ट हो गए, सल्यूट है आपको, हैट्स ऑफ है, बहुत अच्छे लोग आप। वो ये कुछ गिने चिने लोगों की वजह से मैं थोड़ा डीमोटिवेट हो गया था, बट हाँ आप लोग बहुत ही अच्छे हो सही में, मुझे इतने अच्छी तरीके से समझाया आपने कमेंट्स में, इतना मज़ा आ रहा है, इतना अच्छा लग रहा है कमेंट पढ़ के, पहले जैसी फील आ रही है जैसे पहले के कमेंट पढ़ता था मैं, बहुत ही अच्छा रहा, बहुत ही खुशी हो रही है। मैं चाह रहा था सबको एक एक पर्सनली करके थैंक यू बोलूं, बट मैंने सोचा क्यों ना वीडियो में ही ये बात कही जाए। तो आप सभी का दिल से धन्यवाद गाइस, जो मैंने कल बात कही ना, मैं सही में मैं ज़्यादा ध्यान भी नहीं देता कमेंट्स पर, रोज़ रोज़ हो रहा था तो वो थोड़ा ध्यान गया, फिर मैं सोचा था इस बारे में करूँ बात, मन एक मन कर रहा था नहीं करो, एक मन कर रहा था करो, बट मैंने कहा चलो जो भी दिल में बात है वो बोल ही देते हैं सामने से, मुझे पता है चीज़ें कुछ अच्छी भी आएंगी और कुछ नहीं बहुत चीज़ अच्छी आई, बहुत अच्छे कमेंट आए। आप सभी का शुक्रिया, दिल से धन्यवाद, मैं अपना काम पूरा मेहनत से करूँगा और ज़्यादातर मैं इग्नोर ही करूँगा आप नेगेटिव कमेंट पर, अपने काम पर ही पूरा फोकस करूँगा। और हाँ थैंक यू सो मच एक और बार आप सभी का, क्योंकि हमें रेडी और सारा सामान भी तैयार कर रखा है, अब नीचे चलते हैं सारा सामान कार्ट पे लोड करते हैं और निकलते हैं। तो गाइस रख दिया है सारा सामान कार्ट पे, अब चलते हैं। तो गया हूं कार्ट को लेकर, यहाँ कोई कचौड़ी वाले आ गए हैं, पूरी वाले लग रहा है कोई नए आए हैं, तो अभी यह बंदी कर रहे हैं अपनी, तो ये हटाते हैं फिर हम अपनी लगाएंगे। हटा लिए पूरी वालों ने, हमने अपनी कार्ड लगा ली है, हमें बैरिकेटर को वहाँ करके यहाँ लगानी पड़ती है, क्योंकि रात के टाइम आते हैं तो पुलिस वालों को ज़रूरत होती है ना, वरना हम भी उस तरफ ही लगाते बैरिकेटर, यहाँ ही रहते तो सही रहता, बट हाँ कोई नहीं, अब शुरू करते हैं फटाफट सेटअप लगाना। से अपनी कार्ट हटानी पड़ रही है, हाँ रख दो, इसके बस के उधर लेने पड़ रही है, पता नहीं क्या यार, एक मतलब पुलिस वाले आए बोल रहे यहाँ पे थोड़ा फोटो वीटो खींचेगी थोड़ी देर के लिए, कर लो, करते हैं क्या कर सकते हैं। खींची गई अभी फोटो, अभी खींच के चले गए हैं, जूस वाले अंकल ने भी कर लिया है, अंकल कर ले, कर लेते हैं, चलो चलो गाइस कर लिया हमने वापस अपनी जगह पर। मुझे तो लगा आधा घंटा, मुझे लगा मम्मी आधे घंटा लगेगा, मैं रहा कहाँ वहाँ खड़ी करके रखते, पर चलो अब रख दी। अब फ्राई होंगे ये समोसे, जैसे कि मैंने बताया आपको 20 छोटे समोसे का पहले ही ऑर्डर था, तो वो भी फ्राई होंगे, और बड़े समोसा भी इतने ही बना के लाए हैं क्योंकि रोज़ बचे जा रहे थे तो कम ही लेकर आए हैं। बाकी सेटअप अपना पूरा कम्प्लीट हो गया है, तो गाइस हो गए हैं छोटे वाले समोसे फ्राई, अब इन्हें अलग निकाल के रखने होंगे। और ये रहे न्यू मंचूरियन, जिसमें दो नई चीज़ मिलाई है हमने, हाफ चाइनीज भेल हाफ मंचूरियन, एक वड़ा पाव दो, एक वड़ा पाव, पच्चीस का एक समोसा पाव भी,
पैक करना है सब कुछ। इसमें डाला है ना इसमें मीठी चटनी है। हां हो रही पागल है इसको नीचे रहो उसको मीठी। अभी हो रहा था काम भाई वही मैं कह रहा अजीब सी दिख रही है इसमें 20 टिशू रखा नहीं क्या 20 स्कैनर हो रहा सामने देखा होगा आपने वैसे इसमें हमने और भी चीज ऐड करी है बताना आप जरूर आते रहते हो ना या कमेंट्स में बताओगे तो भी समझ जाऊंगा मैं यही तो पढ़ता फीडबैक ले दे रहा हूँ ना मैं कमेंट में कर दूंगा तो बता दूंगा इसमें वो शिमला मिर्च और कैबेज और ऐड किया वैसे नॉर्मल बना रहे थे पहले हम आज से हमने ये भी कराया है आप बताना जरूर एक समोसा पाव बड़ा पाव समोसा हुआ क्या एक समोसा ऐसे करता है तू घड़ी अरे ये नोक निकल रही है ना चलो इन्हें वैसे कर देता हूँ बट भाई आपके 90 रुपए हो गए वेलकम। काफ़ी कमेंट इस बात के भी आते हैं और मुझे ऐसा लगता भी है कि आवाज़ थोड़ी सड़क पर बनाता हूँ जैसे अब मैं व्लॉग तो गाड़ी आती है तो आवाज़ बहुत सही नहीं आ पाती मतलब नॉइज़ बहुत ज़्यादा आती है आवाज़ से तो इसलिए मुझे लेना है माइक तो मैं जल्दी एक माइक भी लूँगा अभी तो नहीं पर हाँ कुछ दिनों बाद ज़रूर एक बढ़िया सा माइक लूँगा ताकि वॉइस अच्छे से रिकॉर्ड हो पाए और आप तक पहुँच पाए। खाने के लिए ये सब वड़ा पाव है समोसा चाट है रोल है मोमोज है मंचूरियन है 20 के 5 है मोमोज प्लेट 40 रुपये प्लेट तो गाइस दे दिए भैया को फुल प्लेट मोमोज चाहिए थे तो हाँ माइक का मैं कह रहा था माइक भी जल्द ही लूँगा मैं जैसे ही बजट बनेगा मैं अच्छा सा माइक एक लूँगा मुझे भी अच्छा नहीं लगता जब मैं एडिटिंग करता हूँ तो दिखता है कहीं कहीं आवाज़ उतार माइक की आती है मेरी नहीं तो जरूर लूँगा। मुझे ना मंचूरियन खाने चाहिए थे ताकि मुझे इसका पता चले कैसा स्वाद अब आ रहा है चलो मैं एक काम करता हूँ एक फ्राई करता हूँ और उसे खा के देखता हूँ कैसा आ रहा है स्वाद। एक डाल दिया मैंने इसे देखेंगे कैसा स्वाद आ रहा है देखते हैं ट्राई करके मस्त एकदम मस्त लग रहा है बढ़िया लग रहा है सही में बढ़िया जो हम पहले बना रहे थे उससे बढ़िया है। हाँ गाइस अभी मुझे एक वड़ा पाव और दो स्प्रिंग रोल लगाने हैं तो मैं वड़ा पाव लगाता हूँ और स्प्रिंग रोल ट्राई करते हैं। वक्त हो गया है बढ़ा लेने का काफ़ी टाइम हो गया है जूस वाले अंकल गए थे काफ़ी देर पहले हमने यहीं काट कर ली थी और पर वही आज भी थोड़ा ऐसे ही रहा पर कोई नहीं अब बढ़ा लेते हैं काफ़ी टाइम हो गया फिर चलते हैं घर।
घर पे सारा सामान रख दिया कार्ट में। भाई पहुंच गए हैं घर पे। क्या चल रहा है? ये कैसे गीला गीला हो रहा है? पिज्जा लेकर आया, पिज्जा ही लेके बैठ गई। इधर कर दे पहले थोड़ा। पाँच धो लिया और अभी पिज्जा खाने बैठा हूँ। आज पापा आते वक्त दो बॉक्स लेकर आए थे पिज्जा के, बेस्ट पिज्जा के, तो आज मन कर रहा था काफी दीदी अनायशा का खाने का, तो दो मेरे लिए भी बच गए हैं तो खा लेता हूँ। पिज्जा खा लिया, खाना खाने बैठ गया हूँ। आज बैंगन बने और साथ में चावल, तो खा लेता हूँ खाना। खाना खा लिया और आ गया हूँ मैं बेड पे अपने, अब सोऊंगा मैं। तो करता हूँ इस ब्लॉग का एंड। आई होप सो आज का ब्लॉग आपको पसंद आएगा। पसंद तो ब्लॉग को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना। मिलते जल्दी एक और नए ब्लॉग में, जब तक लिख पा रहा है।